नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, सिर्फ उसी तर्ज पे जब नोटबंदी वाला फैसला आया था। अब नोटबंदी वाला कोई फैसला तो नहीं है, पर हाँ गोल्ड पे कोई फैसला आने वाला है। अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि प्रधानमंत्री इस टाइम सऊदी में है और एक फैसला आने वाला है। खैर, ये फैसला अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ जाना चाहिए, पर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान वित्त मंत्रालय इस पर चर्चा नहीं कर पाया। परंतु अब ऐसा बताया जा रहा है कि गोल्ड को लेकर एक नया फैसला आएगा और कुछ ऐसी राशि डिसाइड होगी कि उसके बाद अगर किसके पास पर्ची ना हो गोल्ड की तो उसका वो गोल्ड जब्त होगा या उसको टैक्स देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। विस्तार से बताता हूँ क्या स्कीम होगी सरकार की तरफ से। जो अभी तक जानकारियां हमें मिल रही हैं उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो गोल्ड है उसकी आपको जानकारी देनी होगी। वो जानकारी कौन से गोल्ड की देनी होगी? जो गोल्ड की रसीद आपके पास नहीं होगी, जो गोल्ड की रसीद आपके पास नहीं होगी उसकी आपको जानकारी देनी होगी, और ये भी तय सीमा के अंदर देनी होगी। मतलब सरकार इस बार कुछ समय निर्धारित करेगी कि आपको इससे पहले आपके जितने सोने हैं उसके पर्ची आपको सरकार को दिखाने होंगे। उसके बाद अगर किसी के पास वो गोल्ड पाए जाते हैं और उसकी पर्ची और उसके पास उसकी जानकारी नहीं है तो उसको भारी संख्या में जुर्माना या फिर उसको टैक्स देना पड़ सकता है। ये अभी तक एक जानकारी जो हमारे पास आ रही है। इससे पहले ये जानकारी अफवाह उड़ी थी अक्टूबर से पहले, पर CNN की खबर मानू तो ये बताया जा रहा है कि इस हफ्ते तक गोल्ड के ऊपर एक नया टैक्स आ जाएगा या आज या कल में इस पर एक प्रावधान लागू कर दिया जाएगा और तय सीमा से पहले इस पर सभी को अपने रसीद जमा करने होंगे बैंकों में। इसके बाद ही सरकार इस पर डिसीजन लेंगी। ये क्यों हो रहा है ये बता देता हूँ। जैसे नोटबंदी हुई थी उस समय ये बताया गया था कि काला धन वापस आएगा। खैर, कितना आया और कितना नहीं आया ये तो सरकार और RBI को पता होगा। परंतु इस बार एक और नया फैसला आ रहा है। ये फैसला गोल्ड सोने पे है। सोने पे इसलिए फैसला है कि सरकार को कहीं अंदेशा है कि काला बाजारी सोने पे भी हो रही है। मतलब जिनके पास ब्लैक मनी है वो सोना खरीद कर घर में रख रहे हैं और जिससे पैसा भी वाइट हो जा रहा है और सोना भी वाइट हो जा रहा है। इस तहत सरकार इस बार गोल्ड के ऊपर कोई कानून बना रही है। कानून ये होगा कि लोगों को सबका हिसाब देना होगा। साथ ही एक और ब्यौरा जोड़ देता हूं, मंदिरों को। आपने सुना होगा बड़े बड़े मंदिरों में सोने की चढ़ावे काफी होते हैं। इस तहत मंदिरों को भी इस बार इंक्लूड किया गया है और मंदिरों को इसमें घेरे में लाते हुए लिखा कहा गया है कि जो सूत्र बता रहे हैं हमें कि मंदिरों को भी इसका टैक्स देना होगा। जितना चढ़ावा चढ़ेगा उसका कुछ टैक्स सरकार को उन्हें देना होगा, साथ ही उसका हिसाब किताब भी सरकार को आए दिन देना पड़ेगा। मतलब मंदिर ट्रस्ट जो है, मंदिर संस्था है, वो सरकार को आए दिन इसकी जानकारी देगी कि हमारे पास कितना सोना आया है और कितना गया है बाहर और कितना बिका है और जो बिका है वो कहाँ बिका है, इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। वहीं अब जो आम मर्रा के लोग हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उनके पास सोना पुराने हैं, जैसे कि कोई रिश्तेदारी से मिला हो, कोई गिफ्ट में मिला हो या कोई दहेज में सोना मिला हो, वाकई उसकी रसीद नहीं होती है, उसके लिए सरकार को मैरिज सर्टिफिकेट देनी होगी। वहीं मैरिज सर्टिफिकेट के तहत आपको बताया, सरकार को पता चल जाएगा कि ये सोना दहेज में मिला है या कोई गिफ्ट में मिला है, तो उसका एक ID प्रूफ देना होगा आपको। बस ये थोड़ी सी दिक्कतों का सामना होगा, पर दिक्कतों का सामना करने के बाद आपको फिर से ब्लैक मनी से सरकार आपको छुटकारा देने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है। वो कानून दोबारा दोहरा देता हूँ जो अक्टूबर के पहले हफ्ता में बनना था, परंतु हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर ये हुआ नहीं और अब जाके होने वाला है। ये जुड़ी अपडेट थी गोल्ड से। आगे भी इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी मैं आपके सामने तुरंत आऊंगा और हमारी टीम इस पर अपडेट लगातार आपके सामने लाती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और भाई अब तो वेबसाइट भी आ गया है, वेबसाइट पे जाइएगा। दिन भर राजनीतिक उठापटक के साथ साथ क्रिकेट का स्कोर हो या मौसम का जोर, हर कुछ एकदम आसानी से पाइएगा। धन्यवाद।